भाजपा के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी ओम माथुर संभाग स्तरीय कोर कमेटी की बैठक लेने अंबिकापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संभाग के 6 जिले के भाजपा जिलाध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर बूथ स्तर पर मजबूत करने के लेकर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का चुनाव 30 से 40% चेहरे बदले जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा पिछले 4 से 5 चुनाव में ऐसा कर चुकी है। यही नहीं, माथुर ने कहा कि जब चेहरे बदले नहीं जाएंगे तो नए चेहरे कहां से आएंगे। ये जो मेरा प्रवास है, शुद्ध रूप से संगठनात्मक प्रवास है। मैं जहां भी नए प्रदेश में जाता हूं तो चुनाव को पूरे 2 हिस्सों में बांटता हूं, एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा टेक्निकली विंग। टेक्निकली विंग वो जिसमें हमारे संगठन को नीचे बूथ तक लगाना, बूथ की ग्रेडेशन करना, बूथों की रचना करना, बूथ तक संपर्क करना और संगठन की सारी गतिविधियां नीचे बूथ तक पहुंचाना, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं की नीचे चर्चा करना। तो अभी मेरा ये प्रवास जो है संभाग्य कल तक थी, वो भी मैं पूरा करने वाला हूँ। और सरगुजा में बहुत अच्छी बात रही कि लगभग 90% से ज़्यादा कार्यकर्ता जो अपेक्षित थे, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, जिला के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिले के महामंत्री, हमारे विधानसभाओं के प्रभारी, ऐसे सब लोगों को हमने बुलाया था और 90% से ज़्यादा उपस्थिति रही है। उनसे विस्तार से लगभग 1.5 घंटे उनसे चर्चा हुई है, नीचे बूथों पर क्या करना है, क्या नहीं करना।